एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये हमारी पार्ट थर्ड वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड में किस तरह से यूजफुल हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज़ को पूरे डिटेल में देख लिया था। थोड़ा सा उसको पहले रिकैप करते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि माइक्रोब्स जो हैं, जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दही इस्तेमाल करते हैं, उस वो भी माइक्रोब्स की देन है। इसके अलावा जो चीज़ हम लोग मार्केट से लाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर स्वीस चीज़ हुआ या फिर रॉकी फोर्टी चीज़ हुआ, ये सारी चीज़ में भी माइक्रोब्स ही यूज़फुल थे। कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। फिर जो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक था टोडी, के बारे में भी हमने वहाँ पे डिटेल में देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट सेकंड वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरह से यूज़फुल हैं और क्या क्या ये करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर भी माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। कैसे? इवन इंडस्ट्री माइक्रोब्स यूज टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कि बेवरेज जो हम लोग पीते हैं या फिर जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, वो भी माइक्रोब्स की देन है। और प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी कि अब इंडस्ट्री में बन रहा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बनेगा। तो ज़्यादा बनेगा तो उसका सेटअप भी बड़ा होता है। तो उस सेटअप में एक बड़ा सा वेसल्स होता है, लार्ज वेसल, जिसको हम लोग फर्मेंटर बोलते हैं। इसी फर्मेंटर में यूज़ होता है, जैसे एंटीबायोटिक हुआ या फिर अगर बेवरेज बन रहा है तो अब छोटे से तुम ग्लास में थोड़ी ना बनाओगे, बड़े लेवल पे बनाओगे। तो बड़े लेवल के लिए जो बर्तन तुम यूज़ करते हो उसी को हम लोग फर्मेंटर बोलते हैं। देखो ये कुछ फ़ोटोज़ दिए हुए हैं फर्मेंटर्स के, ये हमारा फर्मेंटर है, ठीक है, ये देखो। इसके अलावा ये भी, ये फर्मेंटेशन प्लांट है, ठीक है, जो फर्मेंटेशन का जो प्लांट होता है ना, वो ये कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि फर्मेंटेड बीवरेज किस तरह से बनता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये हम लोग देखेंगे फर्मेंटेड बीवरेज। जैसे कि अभी के टाइम पे हम लोग जो भी मार्केट में आपको वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जितने भी चीज़ें मिलती हैं, वो सब भी माइक्रोब्स से बनते हैं। जैसे कि फॉर दिस पर्पस, इसके लिए, ये सारी बनाने के लिए माइक्रोब्स, स्पेशली ईस्ट, खासतौर पे जो ईस्ट होता है, हैव बीन यूज फ्रॉम टाइम इमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेज। ये सारी चीज़ें इसके लिए सेम ईस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसियम सर्विसेज, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, यूज़ किया जाता है, जो कि ब्रेड मेकिंग में, ठीक है, ब्रेड को बनाने के लिए सैक्रोमाइसियम सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। एंड कॉमनली कॉल्ड बीवरेजिस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली बीवेयर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं, इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस। यानी कि जो मार्केट, जो फ्रूट जूस हुआ या फिर माल्टेड जो सीरियल्स होते हैं, उन सब का इस्तेमाल करके हम लोग इथेनॉल बनाएंगे, उससे फिर इसके बाद हम लोग ये विस्की, बियर वगैरह जो भी ये बनता है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जिस तरह का रहेगा, आप जाहिर सी बात है फर्मेंट, कहने का मतलब ये होगा कि फर्मेंटर में आप जिस तरह का रॉ मटेरियल डालिएगा, उस तरह का प्रोडक्ट आपको निकलेगा। और वहाँ पे फर्मेंटर में इस ये माइक्रोब्स का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। दो तरह के बेवरेज बेसिकली होते हैं, या तो डिस्टिलेशन के साथ रहेंगे, नहीं तो डिस्टिलेशन के बिना रहेंगे। जैसे कि अगर वाइन और बियर की अगर हम बात करें, यानी कि WB, ठीक है, WB, इसको याद करने का ट्रिक है, WB, तो ये विदाउट डिस्टिलेशन से होता है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है, तो ये तीनों जो होता है डिस्टिलेशन के साथ होता है, जिसका फोटोग्राफ वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। कहने का मतलब ये था कि बेवरेज जो हमारा बनता है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रोब्स का। दूसरा चीज़ है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ज़्यादा फेमस एंटीबायोटिक है, डैट इज़ पेनिसिलियम, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आता है। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल में जो एंटीबायोटिक बनता है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और लाइफ का मतलब किसके अगेंस्ट, तो लाइफ के अगेंस्ट। बायो का मतलब लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट, यानी कि जो डिजीज़ काउजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अगेंस्ट जो सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो जो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था, डैट इज़ पेनिसिलिन, किसने डिस्कवर किया था, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब एक बार अपने लैब में काम कर रहा था, तो उस किसके ऊपर काम कर रहा था, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई, उसके ऊपर वो काम कर रहा था। तो उसने क्या देखा कि स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर रहा है,
ठीक है, उसका जो उसने अपना एक प्लेट रखा था वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर रहा था। जब उसने थोड़ा सा और उसके ऊपर वर्क किया तो उसको पता ये चला कि एक मॉल्ट था, ठीक है, मॉल्ट जो था वहाँ पे पेनिसिलियम नोटैटम नाम का था मॉल्ट, वहाँ पे एक अलग से सबस्टांस बन गया डेट इज़ पेनिसिलिन, जो कि एंटीबायोटिक था, ठीक है, इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाया था। तो पहली बार उसने ये बताया कि एंटीबायोटिक नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये भी एंटीबायोटिक कहाँ से आया? ऑफकोर्स माइक्रोब्स से ही आया। इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। दिस एंटीबायोटिक्स वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीटमेंट अमेरिकन सोल्जर्स वुड इन वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है। फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे वाज वेयर अवॉर्डेड बाई नोबल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, पहली बात तो ये कि एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट में जो चीज़ काम करे डेट इज़ एंटीबायोटिक। दूसरा चीज़ ये कि सबसे पहले एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वो काम कर रहा था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर पे, तो उसने एक एंटीबायोटिक डेट इज़ पेनिसिलियम नोटैटम से पेनिसिलियम निकाला और इसका खोज किया। इसका इस्तेमाल कब हुआ, तो इसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो जो अमेरिकन सोल्जर थे उनके लिए, उनके घाव को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा था। और इस चीज़ के लिए तीन लोग थे, एक था फ्लेमिंग, दूसरा था चेन और तीसरा फ्लोरे। इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो बताया था कि हाँ पेनिसिलिन होता है, एंटीबायोटिक होता है, लेकिन उसका पूरी तरह से उसका क्या काम है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में ये चेन ने और फ्लोरे ने बताया था, इसलिए इन तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, लेट मी चेक दिस। आफ्टर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बाद अदर एंटीबायोटिक वेयर ऑल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, कैन यू नेम, मतलब कि उसके बाद कुछ और भी ऑर्गेनिज्म, कुछ और भी एंटीबायोटिक बनाया गया, जैसे कि प्लेग हुआ, वूफिंग कफ जिसको हम लोग काली खांसी बोलते हैं, डिप्थेरिया यानी कि गला घोटू, लेप्रोसी कुष्ठ रोग को बोलते हैं, विच यूज टू किल मिलियंस ऑफ ओवर ऑल द ग्लोब। ये सारी चीज़ें भी बाद में फिर एंटीबायोटिक के आने की वजह से इन सब चीज़ों का भी एंटीबायोटिक बना। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्रियल लेवल पे वो है केमिकल एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा रफली देख लेते। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जिससे जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुमने नाम सुना होगा एस्परजिलस निगर, एक फंगस है, उससे एक एसिड निकलता है डेट इज़ सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है जिससे एसिटिक एसिड निकलता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिज्म, इससे ये भी एक बैक्टीरिया है, इससे ब्यूटैरिक एसिड निकलता है। लैक्टोबैसिलस, ये भी एक बैक्टीरिया है जिससे कि लैक्टिक एसिड निकलता है। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा कि कौन किससे क्या निकलता है। इसके अलावा अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में भी एक ईस्ट है जिसका नाम है सैक्रोमाइसियम सर्विसी। इसका इस्तेमाल होता है कि जो इथेनॉल जो बड़े लेवल पे तैयार होता है, यानी कि कॉमर्शियल लेवल पे जो इथेनॉल तैयार होता है वो ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसियम सर्विसी से ही तैयार होता है। इसके अलावा माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, कुछ एंजाइम्स भी हैं जिससे कि ये बनता है। फॉर एग्जाम्पल लाइपेज इज यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, यानी कि कपड़ा जो धोने के लिए जो डिटर्जेंट बनता है उसमें जो लाइपेज होता है वो उसमें इस्तेमाल होता है। जो जैसे कि अगर आज तक मार्केट में जो नहीं आता है कि दाग जो हटाने के लिए रिमूविंग ऑयल स्टेन, तो लॉन्ड्री में इसका इस्तेमाल होता है लाइपेज का। यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल फ्रूट जूस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियर एज कम्पेयर टू डोज मेड इन द होम। कहने का मतलब ये हुआ कि घर पे जो हम लोग उसी फ्रूट का घर पे जो हम लोग बनाते हैं जूस, तो वो उतना क्लियर नहीं होता है जितना कि हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं, तो वो जितना क्लियर होता है। होता है क्या ना कि मार्केट का जो जूस होता है उसमें कुछ मिला दिया जाता है जिसकी वजह से जो बॉटल है वो क्लियर दिखता है। और क्या मिलाया जाता है, तो दिस इज़ बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लियरिफाइड बाई द यूज ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पेक्टिनेज और प्रोटीएज नाम की एंजाइम है जिसका इस्तेमाल होता है ताकि वो जो बॉटल जो जूस का जो बॉटल है वो क्लियरली आपको दिखाई दे, ठीक है। इसके अलावा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया डेट इज स्ट्रेप्टोकोकस से, वो यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि क्लॉट बस्टर के रूप में इसका क्लॉट बस्टर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जो कि ब्लड वेसल्स में अगर मान लो क्लॉट जमा हो गया है तो उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, यानी कि अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक का कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। वही चीज़ देखो मेंशन है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज
produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clot from blood vessels of patients who have undergo myocardial infarction leading to heart attack. यानी कि अगर कोई आदमी है जिसको हार्ट अटैक की परेशानी है तो उस वैसे इंसान को ये चीज़ दिया जाता है. इसके अलावा एक और पॉइंट है वो भी देख ही लेते हैं. अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, तुमने नाम सुना होगा साइक्लोस्पोरिन ए का. साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है इसका इस्तेमाल होता है इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट के रूप में ऑर्गन ट्रांसप्लांट. जैसे अगर हॉस्पिटल में जब भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है तो इसका इस्तेमाल होता है. जो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना किसी भी हॉस्पिटल में तो एक पेशेंट को उस मतलब उस ट्रांसप्लांटेशन से पहले एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दिया जाता है जिसको जो कि निकलता है जिसका नाम होता है साइक्लोस्पोरिन ए. वो इसलिए दिया जाता है ताकि उसके खुद का बॉडी का इम्यून जो सिस्टम है वो थोड़ा लो हो जाए ताकि जो बाहर से जो भी ऑर्गन आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो वो उसको रिजेक्ट ना करे. यानी कि ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए चीज़ किया जाता है. ठीक है, और ये निकलता कहाँ से है साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से निकलता है तो एक फंजाई है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वहाँ से ये निकलता है. इसके अलावा एक और अदर कंपोनेंट है डैट इज स्टैटिन जो कि प्रोड्यूस होता है मोनस्कस परप्यूराई ईस्ट है. यानी कि एक फंजाई है जिसका नाम है मोनस्कस परप्यूराई, उस फंजाई से यानी कि मोनस्कस परप्यूराई से एक चीज़ निकलता है जिसका नाम है स्टैटिन और इसका इस्तेमाल होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में. यानी कि अगर किसी इंसान का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको लो करने के लिए इसका स्टैटिन का इस्तेमाल होता है. इट एक्ट्स बाय द कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल लेवल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या यूज़ है और किस तरह से वो काम करता है. तो हमारी जो अगली पार्ट 4 वीडियो होगी उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी हिम्मत मिले और मुझे भी लगे कि हाँ मेरी वीडियोज़ आप लोग के लिए हेल्पफुल है ताकि मैं और इस पर मेहनत कर सकूँ. थैंक यू.